प्रथम तहलका न्यूज। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने फरीदाबाद में एलिमंको कंपनी के एडवांस इंटीग्रेटेड वेलनेस एवं पुनर्वास केंद्र का भूमि पूजन किया। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक नयनपाल रावत, विधायक राजेश नागर भी मौजूद रहे। दिखाई दे रहा ये नजारा फरीदाबाद के गांव नवादा का है, जहां केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने एलिमंको कंपनी के एडवांस इंटीग्रेटेड वेलनेस एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। जो पीछे मुख्यमंत्री जी ने यहां पर शिलान्यास किया था एलिमंको के दिव्यांगों के लिए कृत्रिम यंत्र उपकरण और कृत्रिम अंग बनाने के लिए एक कारखाना लगेगा, वेलनेस सेंटर बनेगा। आज उसका भूमि पूजन, बिल्डिंग का जो प्लान तैयार हुआ है, पास हुआ है, उसके बाद CLU हुआ, जमीन का बिल्डिंग प्लान सैंक्शन हुआ, उसका आज भूमि पूजन था। तो आज वो भूमि पूजन हुआ, बिल्डिंग का निर्माण कार्य का शुभारम्भ हुआ है। जो 55 करोड़ की लागत से 40 करोड़ रुपये बिल्डिंग पर खर्च होंगे और 15 करोड़ रुपये मशीनरी पर खर्च होंगे। वैसे 15 महीने में इसको टारगेट रखा गया है कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वैसे टाइम इसका मार्च 2022 तक इसका बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा और दिसंबर तक इसमें मशीनरी रख कर उत्पादन का काम शुरू होगा। लेकिन जैसा हमारे CMD साहब ने कहा है, अभी उज्जैन में इसी तरह का कारखाना लगा, 15 महीने में वो तैयार कर लिया गया है जी। तो हमारा प्रयत्न रहेगा कि ये बिल्डिंग भी बनकर 15 महीने में तैयार हो जाए। NCR के लिए बड़ी ये NCR के लिए पहली सौगात है जो दिव्यांग जनों के जीवन में एक नई क्रांति लाने का काम करेगी। उनको आसानी से NCR में उनके ज़रूरत के हिसाब से अंग भी, कृत्रिम अंग भी और यंत्र उपकरण भी उनको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। NCR में यहीं से सारा वितरण किया जाएगा। अभी कुल देश में 5 इस तरह के कारखाने हैं और ये छठे का यहाँ पर निर्माण शुरू हुआ है। नॉर्थ इंडिया में सिर्फ एक है वहाँ पर मोहाली में है, तो उसके बाद ये NCR में ये पहला लगाया गया है, जिसका बहुत लाभ दिव्यांगजनों को NCR में काफ़ी रोजगार मिलने वाला है और उस रोजगार में 70% स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। NCR के दिव्यांगजनों को फायदा होगा, यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान हैं, क्योंकि 70% उनको रोजगार मिलेगा, इसलिए नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, तो इसलिए बहुत इसका फायदा NCR रीजन के लोगों को। वहीं इस मौके पर कृष्ण पाल गुर्जर ने ग्रेटर फरीदाबाद में डंपिंग यार्ड बनाए जाने को लेकर कहा कि ये सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई है, क्योंकि ग्रामीण ये समस्या बता रहे हैं, इसीलिए वो उनकी समस्या का समाधान करेंगे। उनके मुताबिक ग्रेटर फरीदाबाद में आबादी बढ़ चुकी है, ऐसे में डंपिंग यार्ड से लोगों को नुकसान होगा। दरअसल नगर निगम द्वारा सीही गांव की जमीन पर ग्रेटर फरीदाबाद में डंपिंग यार्ड बनाने का फैसला किया गया है और इस फैसले के खिलाफ ही ग्रामीणों ने महापंचायत भी की थी। नहीं हुई है, लोगों को कोई असुविधा ना हो, लोगों को कोई परेशानी ना हो। अगर लोगों को इस डंपिंग यार्ड यहाँ बनने से असुविधा होती है, परेशानी होती है, एक नहर पार जो नया मास्टर प्लान है जहाँ लोगों की बहुत बड़ी संख्या में आबादी हो गई है, अगर उनको इससे परेशानी है तो निश्चित तौर पर उनके परेशानी का निदान किया जाएगा। एक अपने अपना विभाग नहीं, जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हर विभाग तेज़ी से आगे बढ़ा है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ी है, जो निर्णय लिए गए उनको तेज़ी से इम्प्लीमेंट किया गया, कार्यान्वित किया गया है और हर विभाग ने पूरी दुनिया में, पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। और जहाँ तक मेरे विभाग का मतलब है, मेरे विभाग के जो मंत्री थावरचंद गहलोत जी हैं, उनके नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस विभाग की एक नई पहचान पूरे देश में देखने को मिली है। दरअसल कोरोना काल में जहां विकास कार्यों पर रोक लग गई थी, वहीं अब एक बार फिर से विकास कार्यों का काम शुरू हो गया है और इसी कड़ी में फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने एलिमंको कंपनी के एडवांस इंटीग्रेटेड वेलनेस एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।